वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। अरदास एक ओह साधन है जिस राही असी गुरु पिता दे परमेश्वर दे चरणा विच जुड़दे हाँ, जां इह कह लवो अरदास राही सेवक अपने मालक दे चरणा नाल अंदरों जुड़ जाता है। सिख लई अरदास किन्नी जरूरी है। इस दे नाल एक तां हिरदे अंदर निम्रता बनी रहती है, दूजा अरदास नाल सिख दी गुरु साहब के चरणा नाल सांझ बन जाती है। जदों भी अपने आप नूं मुश्किलां मुसीबतां विच घिरिया वेखो अते कोई साथ नज़र ना आवे, ऐसे कठिन समय दे विच धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के चरणा का ध्यान करके अरदास करनी चाहीदी है। उस दे चरणा विच निमाना हो के अरदास बेनती करन नाल ओह तत्ती वाह नहीं लगन देंदे अते आसरा बन के बोहड़दे हन। साडी अज दी साखी तो भी यही सेध मिलदी है कि किस तरह अरदास करनी चाहीदी है। जो सिद्धा गुरु जी दे चरणा विच प्रवान होवे अते साडी हर मनोकामना पूरी हो जावे जां साडा हर काम सवारिया जावे। एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तो पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सबसक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहे गुरु जी जरूर लिखना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे समय एक बिस्वंबर दास नाम दा सिख होया है जो कि उज्जैन दा रहन वाला सी। उस समय उधर सिखी बहुत घट सी, सतगुरु जी दीवान विच सुशोभित सन। यह भाई बिस्वंबर दास सतगुरु जी दे दर्शन करन अपने देश तो आया अते आ के चरणा ते नमस्कार कीती अते कहन लगा, सतगुरु जी एक बेनती है। सतगुरु जी ने कहा, दसो भाई। तां भाई बिस्वंबर दास कहन लगा, सतगुरु जी मेरे घर विच बहुत दलिद्र है, घर विच जरूरी पदार्थ लियोन जोगी भी माया नहीं। सूरज प्रकाश विच भी यह पंक्तियां मिलदियां हन, प्रभ जी दारिद पा कर मेरे, सकल पदार्थ हथ पए थोरे। सतगुरु सच्चे पातशाह ने जुगती भी दित्ती अते सारी विधि भी समझाई किस तरह नेम करना है, किस तरह अरदास करनी है। उस तो सानू भी सेध मिलती है। सतगुरु जी कहन लगे, जिवें असी बचन करते हाँ उवें ही करना। तां बिस्वंबर दास कहन लगा, सतगुरु जी हुक्म करो, आप जी सिर ते हाथ रखना, कृपा करना। सतगुरु जी कहन लगे, बिस्वंबर दास अपने देश अपने घर जाके पूरी सुचपता नाल देग तैयार करनी है। देग तैयार करके उसनू थाल विच पा के उपरों सुचे कपड़े जां तौलिए दे नाल ढक देना, फिर कोल बैठ के तीन पाठ आनंद साहब संपूर्ण 40 पौड़ियां दे करने हन अते सतगुरु जी नूं भोग लगवाना है। गुरु साहब नूं हाजर जान के अपने दुख दी पूरी श्रद्धा अते निम्रता नाल दोवें हथ जोड़ के अरदास करनी है अते फिर पंज सिखां नूं इह प्रसाद छकाउणा है अते फिर बाकी सारी संगत नूं वी। जे इस तरह पूरी रहत मर्यादा नाल अरदास कीती जावे तां विधि सहित अरदास करन नाल मन बाशत फल प्राप्त हुंदा है। इस तरह सतगुरु ने मर्यादा नाल अरदास दी महानता भी दसी अते विधि भी। गुरु साहब ने साडे लई भी उपदेश बख्शिया है कि किसी भी कारज की पूर्ति लई देग तैयार करके उसनों सुची चौंकी ते रख के उपरों साफ सुथरे कपड़े नाल टक के कोल बैठ के जपजी साहब का पाठ जां आनंद साहब का पाठ करके कारज की सफलता लई खड़े होके हाथ जोड़ के निम्रता सहित अरदास करनी चाहीदी है। गुरु साहब फिर आप विच वरत के विध बना के कारज रास करते हैं। इस साखी तो अपने लई भी सेध है कि बाणी का नेम वधा के सतगुरु जी दे चरणा च अरदास कीती जावे तां इंज कीती अरदास अर्जी बन के पहुंचती है अते सतगुरु आप सहाई हुंदे हन अते सारे कारज सवार दिंदे हन। सिख ने अपने कारज पूर्ति लई बेनती नूं इसी ढंग ना करना है।
ਕਿ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।